अब देखी नहीं है, सिर्फ लोगों से सुना है। एंड जहाँ तक रणदीप की फिल्म्स देखते आ रहे हैं और ऑफकोर्स हमारा दोस्त रजनीश भी है, तो डेफिनेटली देखना चाहेंगे और उम्मीद यही है कि अच्छी फिल्म होगी, मज़ा आएगा। ओके, रजनीश कॉप के किरदार ये थोड़ा अलग है और अच्छा है। और डेफिनेटली क्या होता है ना, एक एक्टर के लिए अलग अलग टाइप ऑफ रोल्स उसके कैलिबर को यू नो टेस्ट करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो और कितना अलग अलग कर सकते हो, तो ये भी एक अलग फर्स्ट क्लास अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके, एक यू नो रियल जो एक माफिया रहा है, जब ब्लड की हम बात करते हैं उस पर आधारित फिल्म में, ये कितना इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि पहली बार शायद सिनेमा। सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार हम लोगों ने भी बचपन में भी या थोड़े बड़े हुए तो कॉलेज में भी हम लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, लेकिन हमें तो ऐसे ही लगता है कि वो सही जगह पर पहुँचता है, लेकिन जब ऐसा पता चलेगा कि ये लोग की माफिया एक्चुअली कैसे लोग सही जगह पे नहीं पहुंचाते या कैसे ये लोग किस कितने भाव में लेते हैं और कितने में बेचते हैं या फ्री में लेते हैं और भाव में बेचते हैं, तो ज़रूर वो तो इंटरेस्टिंग लगेगा। और डेफिनेटली ये लोगों को आगे बताएगा, समझाएगा कि यू नो देखो आप पहले एकदम रजिस्टर्ड जगह पर ब्लड डोनेट करो जो सही जगह पर पहुँचे, ऐसे ही नहीं कहीं पर भी जहाँ पे बहुत सारे लग जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स लग जाते हैं मगर वो सही में पहुँचाते नहीं पहुँचाते, वो जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इससे पता चलेगा कि डेफिनेटली लोगों को ये तो लगेगा कि कम से कम सही कैंप में जाके डोनेट करो। ओके, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ना, अभी गंगा पंगुइंग गंगा देन जस्ट फिनिश्ड लव गेम्स तो रिलीज हो गई, अब एक आ रही है 27 मई की डेट आ गई है, शोरगुल रेडी है, अभी से उसकी प्रमोशन शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक और फिल्म साइन की है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। शोरगुल में किस तरह का किरदार निभाते नजर आएंगे? शोरगुल थोड़ी सी अलग है, वो जो मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, जो दंगा हुआ था उसके ऊपर है, तो रियल स्टोरी है और उसमें एकदम अलग है। पहली बार लोग मुझे एक ऐसे कैरेक्टर में देखेंगे जो मैंने किया नहीं है, तो एक सलीम नाम है मेरे कैरेक्टर का, तो बस इतना बताऊँगा। ओके, कोई खास वजह एकदम ऑफबीट सिनेमा रियल स्पेस में करने जा रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि रियल स्टोरी बेसिकली करने का मज़ा ही कोई अलग होता है और सही रियल जगह पे जाके। मेन बात ये होती है ना कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सेट में करते हैं शूटिंग तो हमें पता होता है कि ये तो सेट है, लेकिन अगर जब रियल लोकेशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप वो कैरेक्टर बन जाते हैं। जब भी हम इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों को उठाते हैं या छूते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, विवाद अपने आप चले जाते हैं। देखिए होना तो है ही, अभी देखिए अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो लोगों ने अब तक नहीं पहुंचाई है या लोगों ने देखी है या लोग फिर से देखेंगे, डेफिनेटली विवाद होगा, डेफिनेटली उसके ऊपर लोग 100% क्वेश्चंस भी उठाएंगे, लोग 100% ये बोलेंगे कि ऐसा हुआ था तो फिर लोगों को अभी क्यों पता चल रहा है। बट आई थिंक फिल्म मेकर का काम है असलियत लोगों तक पहुंचाना, उसके आगे तो अब देखा जाएगा क्या होता है। थैंक यू सो मच।